हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी भैया दोपहर के नेट बज रहे हैं 12, सुबह के नहीं, दोपहर बज रहे हैं 12। और यहाँ देखो भैया आ गया है नाश्ता। नाश्ते में देखो क्या है, हम पूरा पैकेट उठा लाए और ये चाय, और उधर एक कप चाय और रखी है। अरे मैडम सबने कहा पी लो, कह रही ना हम इसी में डुबो खा लेंगे। हमने कहा ठीक भाई, तुम भी डूब लो, मतलब डुबा लो। चलो यार फिर अभी चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। अभी हम लोग खाने के लिए बैठे हैं और देखो आज क्या क्या है। पनीर है, पुलाव है, पूरी है, और इधर स्वामी है हमारे। हमसे ऐसे बोलेंगे खाना ले आओ, खाना ले आओ, खाना ले आओ। खाना बना रखा होगा फिर भी कहते रहेंगे खाना ले आओ। मतलब यार अलग ही लेवल के इंसान है ये, पता है आपको। तो कोई बात नहीं, अभी हम खाना खाते हैं। फिर ना इनके देखो अभी तक जंगली बने घूम रहे हैं, अभी बाल 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 कुछ नहीं कटाए हैं। दाढ़ी मच्छे देखो, देख लो जरा देखूं। और अभी बच गए हैं 3, और अब मैं जा रहा हूँ अपने बाल कटवाने। आनी मैडम यहीं घर पे रहेंगी, कह रही है जाओ। मुझे नहीं जाना यार, मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही। चलो मैं आता हूँ बाल कटवा के। तो आ गए भैया गाड़ी में, अब चलते हैं भैया बाल और दाढ़ी कटवाने। तो आ गए भैया हम लोग यहाँ पर सैलून पे, और चलो अब चल के भैया बाल कटवाते हैं। तो भैया देखो कट गया बाल, 100 रुपए में कटवाए बाल, दाढ़ी और बाल कट गए। आज हमने बाल कटवाए सस्ते सैलून से, समझ गए। बाल बहुत घुस गए यार भाई। आ गए भैया हम लोग घर, सॉरी हम लोग नहीं, हम आ गए घर। अरे ऐसे काउंटर आता है यार, तुमको पता था क्या कि हम आ गए। अरे हमारी पार्किंग की जगह कोई और गाड़ी खड़ी कर दिया यार। तो हमने उससे कह रहे थे यार, या तो हमें बताओ हम कहाँ खड़ी करें। तुम यार डरा नहीं हमको यार। मजा आ गया, हाँ जैसे डरते ना हम तुमसे। हम ऊपर बिल्कुल, हम ऊपर इसमें कैमरे में बंद करने वाले थे क्योंकि हम आ गए। बस हमने सोचा था गेट खुलेगा बंद कर देंगे, वैसे तुम बहुत कर दी। बता बता गया बता, बाल कितने रुपए में कटेंगे वाले बाल। 50 रुपए। गाई इतनी बेइज्जती कौन करता है यार। इतना सस्ता बोल दिया, इतना सस्ता बोल दिया कि 50 बाल 50 दाढ़ी के। हाँ तो हमने सही बताया, गलत काम बताया बताओ। हाँ हमने सही बात है, बाल है कटने का पूछा तो दाढ़ी का थोड़ा ही पूछा था। बहुत चलाक बन रही हो। चलाक है बनना का। लात निवारना का। अरे का है, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, तूफान उठा रहा हूँ। ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी नहीं करने का। तो अब ना आए फिर चले तुम्हारे साथ बैडमिंटन खेलने। तो यार अभी देखो टाइम हो रहा है 9, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस टाइम हो रहा है 9, समझ गया ना 9। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने। आज बना है खीर पूड़ी और ये रखी इनकी सब्जी। ये खाएंगी खीर थोड़ा कम और हम खाएंगे खीर ज्यादा, सब्जी थोड़ा और रखी है, मतलब अपने लिए बचा के रखी है। नहीं मतलब भगवाने में रखी। चलो अभी खाते हैं ये सब, फिर उसके बाद हम लोग, हमको वीडियो शूट करना है ब्लॉगिंग सपोर्ट वाले चैनल के लिए। तो आज सबको बताएंगे आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अगर आप लोग को भी ब्लॉगिंग सीखनी हो तो मेरे चैनल पे आ जाओ जल्दी से, मस्त सिखा रहे हम। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आ रहा है यहाँ पर सेटअप और न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना। इस रात के बज गया 12:30 और हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं हम लोग सोने। आप सोच रहे जल्दी सो जाएगा, तो जल्दी सो जाएगा नहीं, इनको ये नहीं काम है, जब खत्म होते हैं तभी सोते हैं, उससे पहले नहीं सोते। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के कितने, 2:30। मैं दिखा रहा हूँ रुको, मैं दिखाऊंगा, मेरा फोन नहीं चल रहा। सुबह के देखो बज रहे हैं 2:30 और हम लोग अभी तक जग रहे हैं, अभी तक सोए नहीं है। और यहाँ पे देखो आया बर्गर, तो वो खाना है, भूख लगी थी ना, बहुत भूख लगी थी। हाँ और देखो भैया आए, देखो बर्गर किंग से मंगाया, जोमेटो से ऑफर था 129 में 2 बर्गर, तो हमने कहा मंगा लेते हैं, मंगा लिया है, अब खाएंगे और थोड़ा सा रील्स वील्स बनानी है, वीडियो शूट करना है, तो वो करेंगे। तो सोना नहीं है आज तो पूरा, बस सुबह सोएंगे भाई 10-11 बजे। सब लोग कहते हैं ना सुबह जल्दी उठो जल्दी उठो, हम इतना जल्दी उठ जाते हैं कोई उठ ही नहीं पाता। हम सोते ही नहीं है, सीधी सी बात।
बताओ 4 बजे कह रहे हो, हम 12 बजे से जगा रहे हैं। ही रहे 12 बजे क्या पूरा मतलब अगला आदमी सो गया ना उसकी तो एक नींद पूरी हो गई। हाँ। हमें देख लो, हमें तो अभी नींद का कुछ पता है तो पता नहीं है। सही कह रहे, चलो गाइस तो खा लेते हैं, खोलो यार। हाँ। खोलते हैं, खाते हैं और मस्त काम वाम करते हैं। सोना तो हम लोगों को सुबह का 10 बजे हो या मतलब पता नहीं, अभी तो वीडियो शूट करना है, फिर सोचेंगे अभी अगर नींद नहीं आएगी तो एडिट करेंगे, एडिट भी करेंगे और रील्स वील्स भी शूट कर लेंगे। तो गाइस देखो ये 2 बर्गर निकले, ठंडा हो गया लेकिन बस गर्म कर लो, बाद में अब खा लेंगे। गर्म कैसे कर लें इसको, ओवन लो। हाँ यार अब ओवन लेना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग सुबह हो गई, उठ गए हैं, चाय नाश्ता यहाँ पे रखा है और सुबह देखो रात को ही हो गई थी पहली। हाँ, बात तो ये सुबह नहीं हुई हमारी। हाँ मतलब दोबारा दोपहर हो गई हमारी, ये उठ गए हम सो के दोपहर में और रात सुबह सोए नहीं। ठीक है ये ठीक था। और गाइस देखो मैं ये ना सर्दी लग, तो मैं अपने कपड़े तो देखता हूँ ना, है ना। अच्छा तभी आप नहीं पहने, हमने आपको छुड़ा लिए क्या? यस ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े मेरे छुड़ा लेती है मेरी बीवी, बहुत अत्याचार कर रही है। गाइस देखो ये ना झूठ बोल रहे हैं, पंडित जी ने वचन दिलाया था इनसे कि मतलब मौसम के अनुसार ही हमको कपड़े दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मौसम के अनुसार हम अपने कपड़े दे रहे हैं। अच्छा वाह 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 क्या बात है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है वचन में। वाह वाह चलो गाइस नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस देखो सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट का वीडियो शूट हो गया है और उसकी मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ और साथ में भी एनी मैडम यहाँ लेके आ गई कढ़ी चावल रोटी और ढेर सारा अचार और मजा आ जाए, मजा आइए खाइए। चलो यार देखो स्टूडियो यहाँ बहुत ज्यादा फैला फैला सा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्टूडियो इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो ज्यादा फैले फैले मैं रख सकूं। हाँ। मतलब कोई भी रख सके, है ना। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं, फिर इसको एडिट करते हैं। इसको एडिट करने के बाद अभी पब्लिश करना है, इसका थंबनेल बनाना, बहुत सारा काम। देखो मैं वीडियो कैसे शूट कर रहा हूं। आप पहने हूं, ऊपर का सेटअप एकदम रेडी मस्त है ना, ऊपर इतना दिखना है तो एकदम बढ़िया। देखो हम बताते हैं आपको और ब्लॉगिंग सपोर्ट पे, वो आपको व्लॉग्स में दिख सकता है, रियलिटी दिख सकती है आपको व्लॉग्स में कि सच में क्या हो रहा है। और yes. ये सब फेक दिखाते रहते हैं, ऐसे बंठन के बैठ जाएंगे इतना दिखाएंगे। और हम लोग हम वो एकदम नेचुरल रियल और बिल्कुल वही दिखाते हैं जो हैं। आप सोच रहे हो बोल ऐसे क्यों ना, तो मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं इसलिए मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो मुझे माफ़ करें इसके लिए और मुझे खाना खाने। तो यार देखो अब क्या है यार, वीडियो तो बनाना है, वीडियो में थोड़ा बहुत तो सही दिखना पड़ेगा ना, नहीं तुम लोग को क्या है यार सौरभ भाई है मतलब मजा नहीं आया, तो फिर नीचे का क्या। आप ये भी कह सकते हैं सौरभ भाई डाउन टू अर्थ हैं, वो बोला जाता ना। मैं देखो जब भी कड़ी या मट्ठे के आलू खाता हूँ तो मैं रोटियों में घी लगा के खाता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसा करते हो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, क्योंकि ये तो नहीं खाती ना। मैं नहीं खाती, मुझे ना मट्ठे की चीजें, मट्ठे के आलू और या मतलब कड़ी ऐसी कोई भी चीज़, तो उसके साथ मिर्च का अचार अच्छा लगता है और रोटी ना बिना घी लगी हुई बहुत टेस्टी लगती है। सो गाइस जब हम दोनों जा रहे हैं बाहर मूंगफली लेने, मेरा मन कर रहा था मूंगफली खाने को, उस दिन मैं गई थी चाबी लेने, ये ब्रो कहीं निकले नहीं है, पूरा दिन हो गया है, बाहर भी नहीं जाते हम लोग, नीचे भी नहीं जाते हम लोग, वर्किंग मोड पे हैं, समझे, बहुत टाइम से कुछ काम नहीं करा हम लोगों ने, मजे करें ऐसे तो अब वापस से काम कर रहे हैं, तो अब सजे करेंगे, सजे काट रहे हैं लेकिन जल्दी कहीं जाएंगे, कोलकाता जाना है यार। सच बताए ना इस टाइम घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब अभी सब चलाना है, तो सब इंतजार करते हैं ना वीडियो का, तो अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो काफी सारे शूट करके या तो शेड्यूल कर दूं फिर मैं निकलूं कहीं। हाँ या तो फिर आपको कहीं रास्ते के वाले वीडियो दिखेंगे जहाँ पे हम लोग खड़े होकर वीडियो बना के अपलोड करेंगे, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग शांत हैं। शांत माहौल में चाबी ले ली गाड़ी की, गाड़ी चाबी नहीं लाया। देख रहे भाई, देख रहे हम, देख रहे अजीब लुल्लुबंती चल रही है, मतलब मैंने बोला चाबी ले ली, कर हाँ ले ली, दोनों चाबी ले ली होंगी, दोनों चाबी ले ली होंगी, अब कह रहे हैं गाड़ी की चाबी नहीं हुई है, फ्लैट की चाबी। अरे यार पैदल चलो, पैदल चलोगे, पैदल चलोगे, पैदल का करेंगे जाके, नहीं बताओ तो पैदल, आप पैदल जाना हो तो कोई पॉन्ड्स का बॉडी लोशन लगा रहा आसपास कहीं। हाँ सूख लो जाते हैं, अजीब नौटंकी करते हैं फालतू में।
कोई बात नहीं, दिन भर निकले नहीं तो थोड़ा बहुत चल लो ऊपर नीचे कर लो। हाँ सही कह रहा है यार। उम्र में उसकी गिनता नहीं जो तेरे बिन। दाढ़ी तो खुल जाती है अपनी मोबाइल से लेकिन स्टार्ट नहीं होती बस। ले अब यार ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी जो इसकी चाबी मेरे फोन से कनेक्ट हो और सैटेलाइट से कनेक्ट हो, तो मैं कहीं पर भी रह के उसको स्टार्ट कर पाऊँ, समझ रहे हो। चाबी मेरी मैं तुम्हें दे दूँ घर पर पड़ी है, या तुम घर पर मैं चाबी छोड़ दूँ, लेकिन गाड़ी मेरे फोन से स्टार्ट और अनलॉक होनी चाहिए। मेरे को गाड़ी नहीं लेनी, घर लेना है। घर नहीं, बिजनेस बिजनेस बस घूमना है। अच्छा वो तो वहाँ दिख रहा है। गाइस ये सब मजाक है, सीरियस मत लेना हम लोगों की बातों को। सो चलते हैं, आज हमारी गाड़ी यहाँ ना खड़े होके वहाँ खड़ी है, क्योंकि किसी गाड़ी यहाँ खड़ी, मैंने वहाँ खड़ी की। सो गाइस मूंगफली ले ली, अब भैया इनको लेने 10 रुपए वाले टोस्ट दे दी, इनके अलग ही नशे हैं। तो चलो इनके टोस्ट ले लेते हैं। सो भाई हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारी मूंगफली। भाई साहब चटनी क्या गजब देते, और देखो ये नेक को देखो, ठंड में ना स्प्राइट पीने में लगे पड़े हैं। कोई बात नहीं लेकिन पी लो, मैं मना नहीं करती ज्यादा खाने में, इंसान कमाता है इसीलिए खा पी सके। क्या तो मेरा डायलॉग बोल रही हो, अपने पति के लिए चाय बना रहे, इनको चाय पीऊंगी तो अभी इनका काम स्टार्ट होगा। क्यों स्वामी क्या क्या करने वाले हो? बस अभी मुझे रील शूट करना है, व्लॉग एडिट करना है, उसके बाद एक वीडियो अगर टाइम बचा तो मैं शूट करूंगा ब्लॉगिंग सपोर्ट के लिए। रील्स को भी एडिट करना है, व्लॉग मैं एडिट कर लूं, कल रील्स पब्लिश करनी है काफी सारी। अभी मुझे जो तलब है, अभी मैं नशा करने जा रहा हूं, नशा करने के बाद जो काम करेंगे ना एकदम समझ लो फूंक देंगे इसको, और फिर मस्त बस ज्यादा नशे में ना बोलो, नहीं तो ऑडियंस को सच में लगने लगे आप पहले से नशा कर रहे हो। हाँ मुझे को नशा है, मैं अभी अभी पी के आया हूँ कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट चढ़ी मेरे को। हाँ सब क्लियर बस। रात के बज रहे हैं 1 और मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ पास्ता, क्योंकि मेरा पास्ता खाने का मन है। पहले मैंने जोमेटो चेक करा, मैंने सोचा पास्ता ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मैंने कहा जब पास्ता रखा है तो बना लेते हैं। तो यहाँ देखो पास्ता मैंने बॉइल होने रख दिया है, अब उसके बाद क्या है, अब पास्ता बनेगा और मैं बना रहा हूँ पास्ता। हनी कर रही है वीडियो एडिट, क्योंकि वीडियो एडिट हनी कर रही है। अभी तक मैं सारे काम कर रहा था, रील्स वील्स मैंने शूट कर ली, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। अब पास्ता बनाएंगे और फिर इसे खाएंगे, उसके बाद मैं अपनी रील्स को एडिट करूंगा। हाँ कल हनी ने ये मखाने कलारे थे तो अभी जा रहे हैं, ये हनी के साथ बैठ के खाएंगे। थोड़ा सा मैं भी अपने कंटेंट पे रिसर्च कर लूं, कल वीडियो एक और शूट करनी है, जो कि वीडियो है होने वाली है आर्टिकल पे, कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल कैसे लिखते हैं ब्लॉगिंग में, जैसा कि अपने चैनल पे सिखा रहा हूं। तो यार बस यही सब कर रहे हैं, बाकी ठीक है अभी चल रहा है लाइफ में। आजकल काम का कुछ शेड्यूल नहीं है, क्योंकि रात में करना है दिन में करना है कभी भी कर रहे हैं। तो यार और पास्ता बनाने के लिए अपने पास रेड सॉस और चिली सॉस है, लेकिन मेयोनीज और चीज नहीं है, तो कल वो सब भी ले आएंगे। तो अब अगर रात में पास्ता खाने का मन करेगा तो खुद ही बनाया करेंगे। चलो यार फिर अभी खाते चल के इसको हनी के साथ, और इसको यहाँ बॉइल होने देते हैं। लो बाबू ये खाओगे, बहुत बढ़िया लगता है। हाँ है भी बढ़िया। ये देखो बेटा एडिटर मैनेजर बन गया हमारे, ज्यादा बहुत बहुत बढ़िया। पेमेंट कब मिलेगी हमको सर? लगा रहा बेटा मिलेगी एक दिन, इतनी मिलेगी कि तुमने सोची भी नहीं होगी। मैंने बहुत कुछ सोचा है। अच्छा तो यार देखो हम तो बस नाम का बना रहे, अपनी बेगम को बुला लिए। हमने खुद ही कर लेंगे, जा मर्चा दे हुई दुबी है। लगता
लो बेटा हम लो। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही होती तो आपको कौन बना देता? तो फिर मैं मेड रखता और क्या। तो रात को तुम्हारी वो खाना बनाती क्या? नहीं तब तो जोमैटो चलता ना। अच्छा बर्बाद करते हैं। हाँ आपके पैसे बचा रहे हैं। यस यू सेव माई मनी। गिरा दिया मेरा ये। गिरा दिया। पास्ता पास्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। पास्ता पास्ता देखो पास मेरे खड़ी है। यार बन गया देखो पास्ता। लेके आ गए हम लोग रूम पे। हम लोग नहीं मैं लेके आ गया रूम पे। हनी है किचन पे और बस अभी हनी एडिट करें। हनी एडिट करेंगी और हम दोनों साथ में पास्ता खाएंगे। पास्ता देखो इतना सही लग रहा है यार। तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और सारा काम खत्म हो गया। एडिटिंग खत्म हो गई है और बस अब हम दोनों सोने जा रहे हैं। तो यार अगर व्लॉग अच्छे लग रहा हो तो लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता जाए। चलो फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।